Hello everyone, welcome back. I'm hoping that you are preparing well for CAT. Time, speed and distance, बहुत important topic है CAT के लिए, because every year or each slot आपको दो या तीन question तो at least दो question तो आपको मिलना है, ठीक है? इस term में ये बहुत important topic हो जाता है, और बहुत लोग इससे डरते भी हैं, especially non-engineer. तो मैं उनको recommend करूँगा कि आप डरो मत, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन. बहुत नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, मॉडरेट काइंड ऑफ टॉपिक है. बस आपको पॉइंट समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि क्या क्या होता है. जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फाइंड आउट करना कि कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्स्टेंट है. जैसे टाइम कॉन्स्टेंट है और डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है. अगर ये फाइंड आउट कर लिया देन आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में रेस टॉपिक का बात करेंगे. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक रेस टॉपिक होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है. इजी इसलिए है कि इस क्वेश्चन का एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें ट्रैक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, और इसका एक ट्रिक है, ठीक है? और इस ट्रिक के मेथड से हम इस क्वेश्चन को लेस देन वन मिनट में सॉल्व करते हैं. तो बेसिकली हमारा मोटो ये है कि जो ट्रैक लेंथ फाइंड आउट करने का होता है रेस क्वेश्चन, तो इसका हम लोग ट्रिक को लर्न करेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ. तो यस, तो ये अपना क्वेश्चन है जो 2020 में आया था स्लॉट टू में. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए क्योंकि ये वेराइटी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दो टाइम्स, ठीक है? दो बार रिपीट हुआ है और आपको पता है कि कैट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैल्यू चेंज होगा बट क्वेश्चन रिपीट होते हैं. सो बेटर है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस करो और शॉर्टकट मेथड ही रखो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए आप 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व करो और फिर दूसरे से एज ले लो टाइम में, परसेंटाइल में, तभी आपको अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं. क्या है क्वेश्चन? इन अ कार रेस, रेस हैज बीन कंडक्टेड. तो ट्रैक का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इस सिंपल सा ट्रैक का लेंथ फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन. देखो पहला क्या है कि कार ए कार बी को बीट कर रहा है 45 किलोमीटर. तो लेट सपोज ये अपना ट्रैक लेंथ है, ठीक है? ये इनिशियल हो गया और ये हो गया फाइनल पॉइंट. कार ए कार बी को बीट कर रहा है 45 मिनट, मतलब कार ए जब फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है तो बी कहीं तो भी है जो 45 किलोमीटर अवे है, मतलब ए और बी का गैप 45 किलोमीटर है, ठीक है? अब कार बी बीट्स कार सी बाई 50 किलोमीटर. इट मीन जो ये ट्रैक का लेंथ है, जब कार बी फाइनल पॉइंट पे रीच करेगा तो उस समय कार सी कहीं तो भी 50 किलोमीटर अवे होगा बी से, मतलब बी और सी के गैप जो है वो 50 किलोमीटर है, ओके? अब क्या बोल रहा है कि कार ए बीट्स कार सी बाई 90 किलोमीटर, मतलब कार ए जब फाइनल पॉइंट पे है तो कार सी 90 किलोमीटर अवे है. देखो ये हमने ट्रैक लेंथ बनाया था, यहाँ पे ये 45 किलोमीटर हो गया, तो मान लो सी यहाँ पे है, फिर यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस 45 हो गया, ठीक है? टोटल ये 90 हो गया, मतलब कार ए जो कार ए है वो कार बी को 90 किलोमीटर से बीट कर रहा है. आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ से ट्रिक को समझते हैं. देखो यहाँ पे जो बी और सी का बीच का गैप कितना है, 45 किलोमीटर. ए और बी का गैप 45 किलोमीटर है, ठीक है? यहाँ पे बी और सी का गैप 50 किलोमीटर है. तो यहाँ पे देखो बी और सी का गैप 45 था, यहाँ पे 50 था, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हुआ गैप में, बी और सी का गैप में 5 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब देखो सिंपल सा फंडा है कि जो 5 का इंक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पे ये जो मेरा ये जो एक लाइन बना है, यहाँ पे 45 का गैप है और यहाँ पे 50 का गैप है. तो ये जो 5 का इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट कब हो रहा है,
जब बी 45 किलोमीटर और कंप्लीट कर रहा है, मतलब बी यहां से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है, देन बी और सी के बीच का गैप 45 के बदले 50 हो जा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो देखो क्या होगा कि जो 5 का गैप है उसको क्रिएट करने के लिए, जो ये मान लो गैप, तो 5 का गैप है उसको क्रिएट करने के लिए बी कितना चला 45 किलोमीटर, तो 1 का गैप क्रिएट करने के लिए बी कितना चलेगा 9 किलोमीटर, तो 1 का गैप के लिए बी 9 किलोमीटर चला। तो देखो यार टोटल जो है, सेकंड क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा, या कलर चेंज कर लेता हूँ रेड। देखो यहाँ बी और सी के बीच का टोटल गैप 50 किलोमीटर है, तो टोटल 50 किलोमीटर का गैप के लिए बी कितना चलेगा 50 × 9 450 किलोमीटर। तो बी जब, जैसे बी जब 450 किलोमीटर रन करेगा, देन मतलब बी कार, देन सी कार जो है उसमें गैप 50 किलोमीटर का जनरेट होगा। तो हमारा जो टोटल ट्रैक लेंथ हो गया वो कितना हो गया 450 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ट्रिक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया एक दो बार और वीडियो देखना, मतलब रिपीट करके के रिवर्स बैक करके, देन आपको होपफुली समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी डेस्क पे क्वेश्चन है, सिमिलर है, उस पर वहाँ पे भी ट्रैक लेंथ फाइंड आउट करना है। सो वहाँ पे भी आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। रीड करते हैं क्वेश्चन। इन अ रेस ऑफ 3 हॉर्स द फर्स्ट बीट सेकेंड बाई 11 मीटर एंड थर्ड बाई 90, ठीक है। इफ सेकेंड बीट्स थर्ड बाई 80 मीटर, व्हाट वाज द लेंथ, मीटर में हमको लेंथ फाइंड आउट करना है रेस कोर्स का। वही सिंपल ट्रैक लेंथ, ठीक है, ये भी ट्रैक लेंथ था और ना ये भी ट्रैक लेंथ था यहाँ भी। तो देखो ये बेसिक एकदम सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुए 2020 में और 2019 में, मतलब 19 में आया था फिर 20 में रिपीट हो गया। तो इसीलिए ये टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रिक समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है मेरा क्वेश्चन कि जो फर्स्ट है बीट कर रहा है सेकेंड को 11 मीटर, सेम ट्रैक लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं अपना, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकेंड है, तो हम फर्स्ट को लेट्स ए मान लेते हैं, सेकेंड को बी और मेरा थर्ड को सी, ठीक है। ए बीट्स बी बाई 11 मीटर, तो ये मेरा ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया और दोनों का बीच का गैप हो गया 11 मीटर एंड थर्ड बाई 90 मीटर। तो एक ए ए जब फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है तो सी कहीं यहाँ पे मान लो है और दोनों का बीच का गैप 90 है, तो ये हो गया मेरा 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 79 मीटर, मतलब ये जो ये डिस्टेंस हो गया तो 79 मीटर हो गया और ये वाला हो गया 11 मीटर, ठीक है। अब वो रहेगी सेकेंड बीट्स थर्ड बाई 80 मीटर, तो मेरा जो हो गया वो सेकेंड मतलब बी सी को बीट कर रहा है 80 मीटर से, ठीक है, समझ गए, मतलब दोनों के बीच का गैप 80 मीटर हो गया और यहाँ पे जो गैप है बी और सी के बीच का गैप 79 मीटर। तो हमने क्या बोला था कि जो यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे 79 का गैप है, ये हो गया 80 का गैप, मतलब एक मीटर का गैप जो है इंक्रीमेंट हुआ। कब, जब बी फाइनल पे पहुंचा तब, अभी देखो बी फाइनल पे कब पहुंचा, जब ये 11 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा देन ही ये बी फाइनल पे पहुंचेगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर का गैप जनरेट हुआ कब, जब बी जो है वो 11 मीटर कवर किया, तो ये हो गया 11 मीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना का गैप है 80 मीटर का, तो 80 मीटर का गैप करने के लिए बी कितना चलेगा 80 × 11 80 मीटर, वेरी सिंपल पिक्चर में है 880 मीटर टाइप की है, आगे बढ़ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार समझते हैं इसको, दूसरा पेन लेते हैं और इरेज भी कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट। ओके फिर से समझा देता हूँ इसको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सो पहला ट्रैक लेंथ ड्रॉ करते हैं,
ये मेरा है फर्स्ट, मतलब ए, मतलब ये मान लो ए फर्स्ट वाला, बी वाला सेकेंड, बी वाला थर्ड वाला सी। ए फर्स्ट सेकेंड को बीट कर रहा है 11 से, और सी को बीट कर रहा है 19 से, मतलब ये हो गया मेरा 79। मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया 79। सेकेंड मतलब बी जो बीट कर रहा है थर्ड को 80 मीटर से, ठीक है। तो देखो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो बी और सी का बीच का गैप है 79, तो यहाँ पे बी और सी का गैप है 80। यहाँ पे बी कहीं और कहीं पे है, फाइनल पे नहीं है, लेकिन यहाँ जब बी फाइनल पे आया देन गैप जो है बी और सी के बीच में 1 का बढ़ जा रहा है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है गैप, ठीक है। तो ये 1 का इंक्रीमेंट कब हुआ, जब बी ये 11 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा देन ही ये गैप जो है 1 का इंक्रीमेंट होगा। सिंपल मतलब 1 का गैप के लिए बी कितना चला, 11 मीटर, ठीक है। तो वैसे ही दोनों के बीच का गैप टोटल कितना हुआ है फाइनल पे, 80 मीटर का। तो 80 मीटर गैप के लिए बी कितना चल रहा, 80 × 11 यूनिटरी मेथड से सिंपल 880 मीटर। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं, इजी भी, मॉडरेट काइंड का क्वेश्चन है, तो इसलिए ट्रिक अगर आपको पता है तो ये हार्डली आपको 20 सेकेंड लेगा सॉल्व करने में, ठीक है। अगर मैं होता तो ये ड्रॉ भी नहीं करता, ऐसे ही मतलब ओरली समझता और कैलकुलेट करता और आगे बढ़ता सॉल्व करके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, रेस टॉपिक का सॉल्व करते हैं इसको। 10 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी। अब देखो 10 किलोमीटर रेस मतलब ट्रैक लेंथ ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो इसमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल सकता है कि हाँ मतलब दो पर्सन एक ने दूसरे को कितने से बीट किया। सिंपल ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्वेश्चन में यही होगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। पर रीड करते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर ये नहीं भी दिया हो तो कोई इशू नहीं है, गेट गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल ओके रिस्पेक्टिवली। इफ ए बीट बी बाई 1 किलोमीटर, बी बीट्स सी बाई 1 किलोमीटर, देन बाई हाउ मेनी मीटर डज ए बीट सी, ठीक है। मतलब ए बीट सी बाई कितने मीटर से बीट करेगा, सिंपल जो मैंने बताया था वही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो देखो सिंपल ट्रैक लेंथ पिक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या है मेरा ए, ये जब फाइनल पे पहुंच रहा है तो बी कहीं 1 किलोमीटर अवे है, मतलब दोनों का बीच का गैप 1 किलोमीटर है। टोटल ट्रैक लेंथ 10 है, तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरे में क्या है, स्टेटमेंट में क्या है कि बी जो है वो सी को बीट कर रहा है 1 किलोमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस हो गया 9 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन का एसेंस समझो कि क्या आपको फाइंड आउट करना है कि मतलब ए कितने मीटर से बीट कर रहा है सी को। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब सेम रेस स्टार्ट होता है तब से। तो सिंपली हमको यहाँ पे ए का स्पीड निकालना है और सी का स्पीड निकालना है। अगर दोनों का हम स्पीड फाइंड आउट कर लिए देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ए ने सी को कितने से बीट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने का समझने की नीड है कि जो ट्रैक लेंथ है वो सेम है, और सॉरी ट्रैक लेंथ नहीं, जो टाइम है ना वो कॉन्स्टेंट है। मतलब जैसे मान लो रेस स्टार्ट हो रहा है तो तीनों पर्सन साइमल्टेनियसली ही रन करेंगे, ऐसा नहीं कि अनलेस और अंटिल क्वेश्चन ना दिया हो कि हाँ ये 10 सेकेंड बाद में स्टार्ट हो रहा है बी से, ऐसा कुछ मतलब समथिंग, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स कि तीनों जो है ए बी और सी वो साइमल्टेनियसली रेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टाइम मेरा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब टाइम कॉन्स्टेंट है तो जो क्या होगा, डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला में हम लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर बाई ए एंड डिस्टेंस कवर बाई बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो
तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 10, क्योंकि ये तो पूरा ट्रैक लेंथ कवर कर रहा है ना, बी कितना कवर कर रहा है 9, तो ए और बी का स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम इसका देखते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ सी बाई डिस्टेंस ऑफ बी कितना 10 और डिस्टेंस ऑफ सी 9। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, मतलब तो सिमिलर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ बी का स्पीड 10 है, ये स्पीड ऑफ सी 9 है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ बी 9 है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमको तीनों में रिलेशन मिल जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ ए बी और सी में रिलेशन मिल जाएगा। इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90, मतलब 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कितना 10 से कर देंगे, सो इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 और ये हो गया 81 और यहाँ पे हो गया 100, 10 से मल्टीप्लाई किया और 90, मतलब जो ए का स्पीड है और बी का स्पीड है और सी का स्पीड है, इन तीनों का एक रेशियो आ गया 100:90:81। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम कि ए का स्पीड जो है 100 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लो 100 मीटर पर सेकेंड है कुछ भी, बी का स्पीड है 81 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये जब 100 मीटर कवर कर रहा है तो सी कितना मीटर कवर करेगा, 81 मीटर, मतलब 90 मीटर का गैप हो रहा है 100 मीटर में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया, मतलब ये जब पूरा 100 मीटर कवर कर रहा है तो सी जो है 81 मीटर कवर कर रहा है, मतलब जो गैप है दोनों के बीच में 100 मीटर के रेस में या 100 मीटर के डिस्टेंस में वो 19 का है, तो ये 100 मीटर में 19 का गैप हुआ। ठीक है, और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने का गैप होगा, 190 मीटर। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट यही करना है ना कि ए और बी, ए बीट सी बाई कितना, तो यहाँ पे सिंपली हमको गैप फाइंड आउट करना है ए और सी के बीच में, जब 10 किलोमीटर का रेस वो लोग कंप्लीट करेंगे तब, इसीलिए मैंने ये ए और सी के टर्म में किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में दोनों के बीच में 190 मीटर का गैप क्रिएट होगा, तो 10 किलोमीटर में सिंपली कितना होगा, 1900 मीटर का गैप क्रिएट होगा। ठीक है, सो मेरा आंसर क्या होगा, मीटर में ही पूछा है, सो मेरा आंसर हो जाएगा सिंपल 1900 मीटर। ये पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मतलब बहुत ये हुआ था, मतलब हम सर जैसे बोल रहे थे कि बहुत लड़के इस क्वेश्चन में 1900 के जगह पे 1.9 किलोमीटर, मतलब 1.9 फुट करके आंसर आए थे टीटा में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सिंपल मीटर वर्ड नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है, कैट पॉइंट कैट में एग्जामिनर ये सब भी चेक करवाता है इजी क्वेश्चन में। सो आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गया होगा, रेस टॉपिक में ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं कुछ क्लियर है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उस पर ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं इनफैक्ट 100% आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।